हेलो दोस्तों, मैं हूँ साक्षी वर्मा और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अगला सम हिंदी में। दोस्तों, दिवाली खुशियों का त्यौहार है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिवाली के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी दिवाली क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, कब मनाई जाती है और इसका महत्व क्या है, जिसका इस्तेमाल आप अपने स्कूल कॉलेजों में दिवाली निबंध के रूप में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दिवाली पर एक छोटा सा निबंध। दिवाली एक ऐसा शब्द है जो संस्कृत शब्द दीपावली से लिया गया है, जिसका अर्थ है पंक्ति या रोशनी की एक स्ट्रिंग। दीपावली भारत में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है, जो हर साल अक्टूबर या नवंबर के महीने में आता है। इसे भगवान राम के 14 साल का वनवास काटकर अपने राज्य में लौटने की खुशी में मनाया जाता है। दिवाली के इस खास उत्सव को मनाने के लिए हिंदू धर्म के लोग बेहद उत्सुकता पूर्वक इंतजार करते हैं। दिवाली को रोशनी के उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इसे सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव से जुड़ी कई सारी पौराणिक कथाएं हैं। यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। दिवाली के दिन बाजारों को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। इस दिन बाजारों में खास भीड़ रहती है, खासतौर से मिठाइयों की दुकानों पर। बच्चों के लिए ये दिन नए कपड़े, खिलौने, पटाखे और उपहारों की सौगात लेकर आता है। दिवाली आने के कुछ दिन पहले ही लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और बिजली की लड़ियों से रोशन कर देते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली के दिन सूर्यास्त के बाद लोग देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। दिवाली का त्यौहार 5 दिनों तक चलता है। पहले दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और घर में कुछ नया सामान लाना शुभ माना जाता है। दूसरे दिन नरका चतुर्दशी या छोटे दिवाली के रूप में जाना जाता है, जिसे भगवान कृष्ण की पूजा करके मनाया जाता है। तीसरे दिन मुख्य दिवाली के रूप में जाना जाता है, जिसे देवी लक्ष्मी की पूजा करके मनाया जाता है। चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके गोवर्धन पूजा की जाती है। इसके बाद पांचवें और आखिरी दिन यम द्वितीया या भाई दूज के रूप में मनाया जाता है, जिसे भाइयों और बहनों द्वारा मिलकर मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपनी भाइयों को तिलक करती हैं और भाई दूज का त्यौहार मनाती हैं। भारत में हर त्यौहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, और जब दिवाली की बात आती है तो कुछ अलग ही माहौल बन जाता है, क्योंकि दिवाली का त्यौहार भारत देश में सबसे ज्यादा धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दिवाली के त्यौहार को खुशियों के त्यौहार के नाम से बुलाया जाता है, तो इस त्यौहार को धूमधाम से मनाना तो लाजमी ही है। लेकिन पिछले कुछ सालों से लग रहा है कि दिवाली का त्यौहार सिर्फ पटाखों का त्यौहार बनकर रह गया है, और पटाखे बिना दिवाली मनाने की कोई नहीं सोचता है, क्योंकि अब दिवाली के महत्व की परिभाषा बदल गई है। दिवाली का असली मतलब जैसे लोग भूल ही गए हैं। लगता है पटाखे बिना दिवाली लोग मना ही नहीं सकते हैं, साथ ही पटाखों से होने वाले नुकसान को भी भूल गए हैं। दिवाली शांति और खुशियों के साथ मनाई जाती है। घर को सजाने से लेकर स्वादिष्ट खाना बनाने में दिवाली का असली मजा है, न कि पटाखों से प्रदूषण करके दिवाली का मजा खराब करके। हमें दिवाली पटाखों से दूर बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए अपने परिवार के साथ मनाना चाहिए। हमें आसपास की सफाई करनी चाहिए और पेड़ पौधे भी हम लगा सकते हैं। अपने खास लोगों के साथ हम दिवाली पार्टी कर सकते हैं, और दिवाली के शुभ अवसर पर दियों के साथ पूरे परिवार की सेल्फी तो बनती ही है। दिवाली खुशियों का त्यौहार है और इसे हम सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए और आपस में खुशियां व प्रेम बांटना चाहिए। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप दिवाली से जुड़े आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आप सभी को हैप्पी एंड सेफ दिवाली।